काफी देर से ना हम स्नो देख रहे थे, ऐसा पहाड़ के ऊपर दिख रहा था ना, तो बहुत एक्साइटिंग महसूस हो रहा था। अब हम ऊपर पहुंचकर हमारे सामने स्नो ही स्नो देख रहे, व्हाट अ व्यू, छा गई। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आप जानते हैं हम लद्दाख में ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ देर पहले हम लेह से चले, 6 किलोमीटर का हमने सफ़र किया और हमने गाड़ी रोक लिया गांगलेस गांव देखने के लिए। ये सामने पहाड़ी दिख रही है ना, वहाँ से गांगलेस गांव स्टार्ट होता है। गांगलेस गांव से 2 किलोमीटर हम पैदल आएंगे ना, वहाँ एक रिवर स्ट्रीम है, चलते चलते तो होरजे गांव तक चले जाएंगे। ये जगह इसलिए मेरे माइंड में थी, जब मैं परसों के दिन कुछ लोकल लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने बोला था अगर आप मज़ा करना चाहते हो कि स्ट्रीम किनारे किनारे चले तो आप ये रिवर वॉक कर लो, मतलब स्ट्रीम के किनारे वॉक कर लो, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बाइकर्स देखो सामने आ रहे, कितना मस्त लग रहा है ना, वाओ। लो जी, स्ट्रीम के पास पहुंच ही गए। वाह, बहुत खूबसूरत। देखो ग्लेशियर का पानी मेल्ट होकर कितनी तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। ये स्ट्रीम ना आगे जाके स्पितु के पास इंडस नदी को मिल जाएगी। जितना पानी स्ट्रीम का यहाँ पर है ना, इतना पानी नहीं होगा स्पितु के पास, क्योंकि बीच में ज़्यादा खेती होती है, वो पानी डाइवर्ट कर देते हैं, तो स्पितु पहुँचते पहुँचते इसमें कम पानी रह जाएगा। पाँच दस मिनट रुकते हैं यहाँ पर, फिर आगे का सफर अपना कंटिन्यू करेंगे। कितनी खुशी हो रही है, 18,000 फीट पे पहुंचकर यहाँ का सीन देखना और महसूस करना कैसा लग रहा है। कुछ देर पहले ना मेरे को सिर में दर्द हो गई थी, ऐसा लग रहा था दर्द होनी स्टार्ट हो गई है, और सरप्राइजिंगली यहाँ दर्द मेरी ठीक हो गई है। लोगों को यहाँ किस तरह दर्द हो जाती है, मेरा ठीक हो गया ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। अब ये जगह देखो, हाइट लिखी हुई है, सब लोग यहाँ पर खड़े होकर फोटोग्राफ जरूर निकालते हैं। थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी तो हम भी फोटो निकालेंगे। इस तरफ को स्नो है और ये रोड है, हम लोग इधर से आ रहे हैं। अब खारदुंगला पार करके हमको इधर आगे जाना है। आओ पहले स्नो के पास चलेंगे। एक बात है, विजिबिलिटी समय क्लियर है ना, मतलब एटलीस्ट पहाड़ हमें क्लियरली देखने को मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तो मौसम कभी भी बदल जाता है, ऐसा कहते हैं अभी ऐसा मौसम, आधे घंटे बाद अचानक बादल ऐसे आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और आज से कुछ दिन पहले तो यहाँ पर स्नोफॉल हुई है, तब रोड पे स्नो आई हुई थी, मतलब मैं 15 दिन 10 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। बहुत खूब, आप लोग का ये सेटअप है यहाँ पर जी सर, ये आर्मी की तरफ से है कि गवर्नमेंट की तरफ से है? ये यूटी लद्दाख की तरफ से है सर जी। अच्छा जी सर, तो आपके टाइमिंग्स क्या होते हैं? टाइमिंग होता है सर, हम 9 बजे नीचे से आ जाते हैं सर इधर, तो 9 बजे 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं सर, फिर 5 बजे तक हम 5 बजे यहाँ से निकल जाते हैं सर। 10 से 5 जी सर। ये मैं चेक करें जी सर।
आपके हिसाब से कितना आ जाए ऑक्सीजन? तो ठीक है, इसे यहाँ तो 60 वो होना चाहिए सर, 60 के ऊपर। जी सर, तो हम ठीक मानते हो। जी सर, और आप लोग का कितना आता है? हमारा वैसे हम लोग यहीं लोकल हैं तो हमारा 70 ऐसे हो जाता है। 70? जी सर। आपका भी कितना आ रहा है? 74 आ रहा है सर। कितना? 74 आ रहा है। जी सर, तो ये तो अच्छी बात है। जी सर, ये तो 60 दिखा रहा है नीचे, ये पल्स इधर। अच्छा, पल्स तो 60 अच्छी बात है, इतनी हाइट पे भी पल्स हमारी मेंटेन है। जी सर। और आप लोग के पास ऑक्सीजन की सुविधा भी है? सुविधा बिल्कुल सब कुछ सर। जी सर, इम्पोर्टेंट है। जी सर, भाई साहब ऑक्सीजन और ये पल्स ऑक्सीमीटर सबसे जरूरी होता है, सबसे मेन आइटम तो ये है। अब हमें ना यहाँ पर आए हुए कितनी देर होगी, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट तो हो ही गए हैं, तो हमें चलना चाहिए। चलना चाहिए, इजाज़त दीजिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। और आप लोगों की बदौलत यहाँ पर देखो किसी को मेडिकल दिक्कत आती है तो आप लोग हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो जी, यहाँ से चलने से पहले इधर खड़े होकर एक फोटोग्राफ निकालना ज़रूरी है। मस्त लिखा हुआ है ना, वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आज से 5 साल पहले खारदुंगला पास हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड था, और आज की डेट में उमलिंगला पास है। हम वहाँ पर भी जाएंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी ये पास में जैसा बोलते हैं ना, 15-20 मिनट से ज़्यादा मत रुको, तो हमारे को ऑलरेडी आधा घंटा हो गया, यहाँ से चलना चाहिए। खारदुंगला टॉप से हमने लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र किया है, हम अभी नॉर्थ कुल्लू पहुंच चुके हैं। ये नॉर्थ कुल्लू में ना बड़ी सारी ईटरीज हैं, मतलब 10 से 12 तो हैं, तो चाय कॉफ़ी नाश्ता यहाँ पे हो सकता है। इस जगह ना फिर से एंट्री करानी पड़ती है, जो जो लोग जा रहे हैं ना, तो एक तरह से चेक पोस्ट है। यहाँ पर सामने डिस्टेंसेज लिखे हुए हैं और हाइट भी लिखी हुई है। ये बोल रहे हैं नॉर्थ कुल्लू 16,000 फीट पे है, पीछे मैंने BRO का बोर्ड पढ़ा था आधा किलोमीटर पहले, 15,300, चलो 15,300 मान लो, तो आप समझ लो खारदुंगला पास 18,000, इस समय 15,300 कितना नीचे आ गए हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ इस बोर्ड के बारे में क्या है, मतलब इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि इन्होंने डिस्टेंस भी लिखा हुआ है और साथ साथ हाइट भी लिखी हुई है। हमारा जो अगला हॉल्ट है खारदोंग विलेज, वहाँ जाकर हम लंच करेंगे, जो यहाँ से 20 किलोमीटर है। खालसर विलेज भी जाएंगे, दिस्कित भी जाएंगे, दिस्कित बोल रहे हैं 66 किलोमीटर है, उसके नीचे बोल रहा है हुंदर विलेज 122 किलोमीटर, वो डिस्टेंस गलत है क्योंकि दिस्कित से जो हुंदर है वो 7 किलोमीटर है। बाकी सब जो हाइट लिखी है, डिस्टेंसेस लिखे हैं, वो सही हैं इस जगह से। अब आज नाइट हॉल्ट हम हुंदर पहुँच के करने वाले हैं। अभी हमको नज़दीक में जाके एक वाटर स्ट्रीम देखनी है, तो चलते हैं आगे, स्ट्रीम के पास रुकेंगे। बहुत खूब, हम अभी आधा किलोमीटर आगे आए हैं और एक पानी की बहुत खूबसूरत स्ट्रीम देखने के लिए रुके हैं। वो देखो जिस सामने खारदुंगला पास जहाँ हम गए थे ना, वहाँ से जो स्नो मेल्ट हो रही है उसका पानी है ये सारा। ओ हो, पाँच सेकंड से ज़्यादा पानी में हाथ डाल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ठंडा पानी है। सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या, एक तो पानी नीचे उतर रहा है तो आपको करंट महसूस हो रहा है, और दूसरी बात क्या है, बीच में ना जगह जगह चट्टाने हैं, चट्टानों से टकराते टकराते आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उठ उठ के पानी आगे आ रहा है और बहुत मस्त लग रहा है। आज सुबह से हमने जितने व्यूज़ देखे हैं ना, सब एक से एक बढ़कर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा मालूम है कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। मेरे को वैसे भी ना वाटर बॉडीज़ बहुत पसंद है, अब यहाँ खास बात यही है क्योंकि
बड़ी कम डिस्टेंस पर हम इतनी लो हाइट पे आ गए हैं, तो पानी का जो भाव है, करंट है, वो देख के ना बड़ी मैजिकल फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम खारदुंग पहुंच चुके हैं, इधर सामने इटरी है, इनको ऑलरेडी बोल दिया कि हमारे लिए आप थोपा रेडी कर दो। यहाँ पर अगर हम टोटल देखेंगे तो 8 से 10 इटरीज हैं आज की डेट में, जहाँ पर आप रुककर चाय कॉफ़ी पी सकते हो, साथ में कुछ लंच कर सकते हो। अगर आप जल्दी आ जाते हो तो आप खारदुंग से लगभग 25 किलोमीटर आगे खालसर है, वहाँ जाके लंच कर सकते हो। तो खालसर में क्या है, रिवर भी देखने को मिलेगी और लंच भी कर सकते हो, दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं। हम क्योंकि लेट हैं तो हमारे लिए ये जगह ठीक है। थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं जब तक हमारा थुपा रेडी हो रहा है, और इन इटरीज को भी बाहर से देख लेंगे। लो जी, थुपा रेडी हो गया। ये इन्होंने कौन सा साग डाला है ऊपर? चलो साथ में गाजर, बहुत सारे नूडल्स। बहुत सिंपल टेस्ट है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सोया सॉस डाल देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा स्पाइस एलिमेंट आ जाता है। ये कॉफी के बीन्स आप कहाँ से लाए हो? ले से सर। ले से? हाँ सर। अच्छा, और ये मशीन? वही कर्नाटका सर। कर्नाटका? हाँ। तो कर्नाटका आप मशीन लेने गए थे, घूमने गए थे? नहीं, निजान पहचान वाला है ना। अच्छा, वो आपको खरीद के भेजा? खरीद के भेजा था ना सर। तो ऐसे हमें लग रहा है कि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। अच्छी कॉफी बनाई है। ये एग इनके मेकिंग प्रोसेस में ना पानी पहले से गर्म करके रख लेते हैं, उससे 7-8 मिनट के बाद जब आप कॉफ़ी पी रहे हो थोड़ी सी ठंडी सी है, लेकिन टेस्ट अच्छा है। गुड। खारदुंग गांव से हम अभी सिर्फ 2 किलोमीटर आगे आए हैं, गाड़ी रोक ली फिर से। इस बार मैं आपको ना एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैं खुद आज 3 साल के बाद देख रहा हूँ। सामने के पहाड़ की तरफ आपको, इसके चोटी पे थोड़ी थोड़ी स्नो है, शेडो है ना, इस तरफ देखो सन है, और ये शेडो जो है बादलों की है। ये मैंने 3 साल पहले देखा था जब मैं स्पीति गया था ना, क्योंकि पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं, ये हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे और बादल बहुत नजदीक आ जाते हैं, तो ये बहुत मस्त लग रहा है। खालसर पहुंचने के लिए हमारी गाड़ी जैसे पहाड़ से नीचे उतर रही है ना, ये सीन तो देखते ही बन रहा है। आप देखो कैसे जिग जैग रोड बनी हुई है, ऊपर हाइट से भी दिखाई दे रहा था, आप जैसे नीचे जा रहे हैं ना तो रोड पे हम अकेले चलते जा रहे हैं, लेफ्ट राइट कोई नहीं है, 2-3 मिनट में कोई बाइकर सामने से या हमारे पीछे से क्रॉस कर रहा है। बहुत खूबसूरत।
10 से 15 मिनट से हम श्योक नदी के साथ साथ चल रहे थे, बहुत बढ़िया लग रहा था। अब हमने गाड़ी रोकी है, खालसर हम पहुंच चुके हैं। खालसर गांव यहां से मुश्किल से आधा एक किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हाइट पे खड़े होकर हम सामने श्योक नदी को देख रहे हैं, मस्त लग रहा है ना। अब श्योक नदी आ रही है रिमो ग्लेशियर सियाचिन साइड से, ऐसे फ्लो करती हुई आगे जाके ये नूबरा रिवर को मिल रही है। हम वैसे अपने शेड्यूल से बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेन तो होता है जर्नी में आप जो जो एंजॉय कर रहे हो उसको अच्छे से कर लो, डेस्टिनेशन तो दो चार मिस भी हो जाएंगे तो चलेगा। कोशिश करेंगे ना मिस हो, लेकिन मेन बात है जहाँ पर जो चीज़ नज़रों को अच्छी लग रही है, मन कर रहा है कि रुक कर 10-15 मिनट रुक इंजॉय किया जाए, फिर अपने आप को रोकना नहीं चाहिए कि नहीं हम लेट हो जाएंगे या फिर हमारा कुछ मिस हो जाएगा। तो बेटर है जो अच्छा लग रहा है उसको जी भर के इंजॉय कर लो। अभी हम ना सामने से आ रहे हैं और हम टी मोड़ तक पहुंच गए हैं। अगर हम यहां से सीधे चले जाएं तो हम सुमुर पनामिक होते हुए सियाचिन बेस कैंप तक चले जाएंगे। ये रोड सीधी, हमें इस तरफ अभी नहीं जाना, हमें इधर जाना है। तो ये क्रॉसिंग है, यहां से सीधे जाएंगे तो हम दिस्कित होते हुए हुंडर जाएंगे। दिस्कित आज हम नहीं रुकेंगे क्योंकि मोनेस्ट्री बंद हो चुकी है, 6 बजे क्लोजिंग टाइम है। रात को हम हुंडर रुकेंगे जो यहाँ से 26 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। कल हम हुंडर से ही सीधे निकल जाएंगे तुरतुक, और उसके आगे थांग विलेज है जो इंडिया का आखिरी गांव है। थांग विलेज विजिट करके वापस हम कल हुंडर आएंगे, परसों हम लौट कर इसी जगह आएंगे, फिर यहाँ से हम अदर साइड ऑफ नूबरा वैली विजिट करेंगे जो कि यहाँ से स्ट्रेट है। एक्चुअली में ये नूबरा वैली हम कब एंटर कर गए थे, जब हम नॉर्थ कुल्लू रुके थे उसके बाद से नूबरा वैली चल रही है। अब नूबरा वैली के अंदर जो ये दो एरियाज है ना, ये सब वैलीज हैं, इधर और इधर, सही है। अब चलते हैं हम यहाँ से, 7:15 का टाइम है और जब तक हम हुंडर पहुँचेंगे तो 8:10 हो जाएगा, और हुंडर पहुँच के आज के दिन का सफ़र हम एंड कर देंगे। टी मोड पे कुछ ईटरीज मेरे को दिखाई दे रही हैं, ये भी आप एक बार देख लो, 3-4 इधर है और 5-6 ईटरीज यहाँ पर है, मतलब बेसिक चाय कॉफ़ी नाश्ता यहाँ पे अवेलेबल है। चलो चलते आगे। हुंडर में रहने के लिए हमने ना अपने लिए गोबा गेस्ट हाउस आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पर अब जैसे अभी पहुँचे ही हैं। भैया रूम आप दिखा दोगे? जी जी सर। तो टैरिफ तो मैंने पूछ लिया है, 2,000 रुपीज़ विदाउट ब्रेकफास्ट एंड डिनर, और 3,000 रुपीज़ डबल ऑक्यूपेंसी में दोनों मिल मिला के ब्रेकफास्ट और डिनर। सही है भैया, वॉशरूम देख लेते हैं एक बार। ठीक है। अच्छा अभी जो आपके यहाँ लाइट चल रही है जी सर, ये क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता लगा था लाइट की प्रॉब्लम है कि शाम को आती है ना गवर्नमेंट की लाइट, तो ये 5-11 आती है, और कभी कभार तो ये भी नहीं आती क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो पावर के थ्रू पानी अपना लाइट देते हैं, तो कभी पानी कम हो जाता है रिवर में, कभी विलेज सप्लाई में चला जाता है, वो टाइम पे वो भी कटौती हो जाती है रेगुलर। तो नहीं हमारे पास अभी सोलर सिस्टम का यूज कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भैया रूम, तो मैं आपको ना 5 मिनट में वहाँ पर आके एंट्री कर देता हूँ। ओके ठीक है सर, थैंक यू। फिर हम लगेज के लिए आप किसी को बाहर भेजते हैं। अच्छा अब सीन ये है कि होटल ले लिया और टाइम हो रहा है 8:40, कल सुबह हमको तुरतुक जाना है, जाना घूमना वापस आना, फुल डे अफेयर है। हुंडर आज हम नहीं घूम पाए, कैसे घूमें अभी तो पहुँचे हैं,
ओरिजिनल थॉट ये था कि अगर हम शाम को यहाँ पहुँच जाते हुंडर 5:30 बजे तक 6 बजे तक तो हम अच्छे से घूम लेते तो अच्छा तो सही रहता, क्योंकि कल का दिन वैसे ही हमारा हेक्टिक है। अब क्योंकि वो काम नहीं हो पाया तो हमारे पास अब एक ही चॉइस बची है, और वो है कि कल हम दिन जल्दी शुरू करें जिससे कि हम शाम को टाइम पे वापस इस जगह आ सकें। नहीं तो क्या होगा फिर, हुंडर में जो मेन अट्रैक्शन मेरे को सबने बताया वो ये है कि शाम के समय जब सनसेट हो रहा होता है ना, उस समय आपको सैंड ड्यून्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी देखेंगे तो पता लगेगा। चलो आज का ये एपिसोड हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जो हमारी कल की जर्नी होगी वो आप ऑब्वियस है अगले एपिसोड में देखोगे। ठीक है जी, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आपको नहीं पता और इमेजिन करना हो लद्दाख में आपको इस प्रकार सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे तो विश्वास नहीं होता। जैसे सैंड पे चलते हैं तो पांव दबता है ना, ठीक उसी प्रकार से पांव रख रहे हो तो पांव अंदर जा रहा है।